से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू जग से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। पवित्र बाइबल हमें सिखाते हैं कि हमें शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए, हमारे जीवन में शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। शैतान को हम लोग किस किस प्रकार अवसर देते हैं, यीशु निंदा के कार्य करते हुए, चर्च के खिलाफ कार्य करते हुए, बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार जो शिक्षा हमें मिला है उसके अनुसार ना जीवन जीते हुए, पाप का जिंदगी, हम इस प्रकार शैतान को अवसर देते हैं। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए कहते हैं अध्याय 4:27 में, आप शैतान को अवसर नहीं देना। यदि आपके जीवन में या आपके घर में वो प्रवेश करेगा, आपके जीवन को बर्बाद करेगा। संत पेत्रुस भी उनके पेत्रुस का पहला पत्र उसके अध्याय 5:8-9 में लिखा है, आप संयम रखें, बातचीत करने में, दूसरों के बारे में बोलने में, या चर्च के खिलाफ बोलने में, संत पापा के खिलाफ बोलने में, आप जो पाप कर रहा है अपने में संयम रखो, क्योंकि इसके द्वारा आपका जो मनमर्जी जीवन जी रहा है, आप कार्य कर रहा है, उसके द्वारा आप शैतान को निमंत्रण दे रहा है, शैतान को अपने जीवन में प्रवेश करने का आपने स्वागत करता है। कहते हैं आप जागते रहना है, क्योंकि आपका शत्रु शैतान दहाड़ता हुआ सिंह की तरह विचरते रहते हैं और ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाए। इसलिए आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करना है। आप ईश्वरीय विश्वास में, भक्ति में दृढ़ रहकर उसका सामना करना है। संत याकूब भी लिखते हैं अध्याय 4:7 में, आप शैतान का सामना करो विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, पवित्रता के साथ, वो आपसे भाग जाएगा। इसलिए जीवन को बर्बाद करने के लिए, उस अनंत आग में जाने के लिए आप शैतान को अवसर नहीं देना। कई लोग जीवन में शैतान को अवसर दे रहा है, गलत शिक्षाओं के पीछे जाकर, यहां चंगाई है, वहां वजन है, ये सब बोल करके सत्य कलीसिया से जो जाकर वो शैतान के वश में, उस गुट में जाते हैं। इन दिनों में अनेकों क्लास हम लोग उसी के ऊपर इसीलिए डाल करके आया ताकि हमारे सामने ये चेतावनी सदा रहे। कहीं हम सत्य वचन से, सत्य कलीसिया से अलग हो करके शैतान के हाथों में बर्बाद होने के लिए तो नहीं जाते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना है। कई चीजें हमें सही लगेगा, यहां पर भी तो ईसा मसीह का ही वचन घोषणा होता है, यहां पर भी तो प्रभु के नाम पर वचन का घोषणा है, यहां पर ज्यादा चमत्कार है, यहां पर ईसा मसीह से ही तो प्रार्थना करता है, इस प्रकार बोल करके और सोच विचार हमारे मन में डाल करके शैतान हमें, हमारा विनाश करता है। इसलिए हमें सावधान रहना है।
बाइबिल ही पढ़ाएगा, लेकिन उस बाइबिल को गलत तरीके से पढ़ाना और केवल एक लक्ष्य है अपने गुट में लोगों को जोड़ना, क्योंकि उसके द्वारा कमाई करना है, नाम कमाना है, बस एक लक्ष्य है। किसी की आत्मा की रक्षा मुक्ति उनका लक्ष्य नहीं है, अपना जब भरना यही है लक्ष्य। इसलिए किसी भी हद तक जाकर के आपको सिखाएगा, आपको वो जो सत्य से दूर कर देगा। इसलिए बाइबल कहते हैं आप सावधान रहें, आप सावधान रहना है। प्रभु ने आपको ज्ञान दिया, प्रज्ञा दिया, इसलिए आप समझने का प्रयास करो। कई लोग टिप्पणियां तो उल्टे पुल्टे लिखते हैं, और मैं उनके लिए जो क्लास का लिंक जब भेज करके देता है, कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम तो बाइबल पढ़ रहा है, आपका क्लास से हमें कोई जरूरत नहीं। ये भी शैतान का एक कार्य है। मैं अनेकों घंटों तक मेहनत कर स्टडी करके क्लास डाल रहा है ताकि लोगों की आत्मा बच जाए। शैतान से लोगों को बचाने का कार्य प्रयत्न मैं कर रहा हूं। यदि आप क्लास नहीं देखेंगे, केवल यही लिखना शुरू करेंगे पापा का खिलाफ में, संत पापा के खिलाफ और बिशपों के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, आप अपना स्वभाव जो शैतान का स्वभाव, जो नरक के योग्य स्वभाव दिखा रहा है। कई बार हमें ये भी देखने के लिए मिलता है, ऐसे लोग प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल सुनाता है, मतलब यहां आ जाओ आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला, सब कुछ देने वाला यीशु। ये भी एक गलत धारणा है। कई लोग बोलते हैं यहां वहां पर गया, चंगाई हो गया, इसके बाद सब ठीक ठाक है। ये भी एक खतरनाक बात है। जिस व्यक्ति के जीवन में शैतान आता है, यदि वो ईसा मसीह में, मसीह के कलीसिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उनके जीवन जैसे अय्यूब, एक सच्चा एक उदाहरण, बहुत अच्छा एक उदाहरण अय्यूब का उदाहरण है। उस अय्यूब के जीवन को देखो, कितना ईश्वर भक्त व्यक्ति था। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय एक के अंदर हम लोग जो शुरू से वाक्य एक से अगर पढ़ करके जाएंगे, ईश्वर द्वारा अनुग्रह आशीषों से भरा, उस देश का सबसे धनी आदरणीय व्यक्ति था। लेकिन हम देखते हैं वहां पर शैतान का प्रवेश हुआ और ईश्वर द्वारा एक अनुमति भी मिल गया शैतान को उनके घर में प्रवेश करने का। यदि एक व्यक्ति के घर में शैतान प्रवेश किया तो उसके जीवन में क्या क्या परिणाम है, हमें अय्यूब के जीवन में मुझे मुख्यतः पांच परिणाम दिखाई दिए। एक बार शैतान प्रवेश किया, तुरंत पांच परिणाम वहां पर उसके जीवन में। आदम और एवा के जीवन में भी शैतान प्रवेश किया, वहां पर कम से कम 10 परिणाम, पाप का परिणाम देखने के लिए मिला। यहां पर अय्यूब का जो मेन हेडिंग के तौर पर अगर हम देखेंगे, मुख्यतः पांच टाइटल हेडिंग हम डाल सकते हैं उस शैतान का प्रवेश के कारण उसके जीवन में, उसके परिवार में। सबसे पहले हमें मालूम है उनको आर्थिक नुकसान होना शुरू हुआ, आर्थिक नुकसान एक के बाद क्या हुआ, वहां आग लग गया, वो मर गया, उनका भेड़ बकरियां, इनका जितना भी धन दौलत नष्ट होता, स्टार्टिंग वही दिख रहा है। शैतान सबसे पहले आप जिस पर सुरक्षित महसूस होता था, उस सुरक्षित उसको कदम कर देगा। अनेकों लोग ये सोचते हैं धन ही सब कुछ है, धन नहीं है तो इस संसार में जीना मुश्किल है। धन का जरूरत जरूर है, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है। जो लोग ऐसा धन को पहला स्थान देते हैं, शैतान सबसे पहले उसके ऊपर अटैक कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा। गलत तरीके से जो धन कमा रहा है, शैतान को आप निमंत्रण दे रहा है। यदि आप लालची व्यक्ति हैं तो उस लालच का मूल पाप के द्वारा शैतान आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। तो जो जीवन में आपने जिसको पहला स्थान देकर रखा, जिसके द्वारा पाप कर रहा था, जिस पर आप सुरक्षित महसूस कर रहा था, उसी को
शैतान सबसे पहले नाश करेगा, अत्याग कर देगा। धन जब नुकसान होने लग जाता है या नौकरियां जुड़ जाता है या अन्य कई गलत रीति से धन नष्ट होना शुरू कर देता है, इंसान का मन टूटने लगता है। यदि पति ज्यादा पियक्कड़ है, पीकर के धन पूरा नष्ट कर रहा है, उनका पत्नी और उनके बच्चे उसके कारण बहुत दुखी रहेगा। उनके जीवन से प्रार्थना भक्ति सब धीरे धीरे दूर होना शुरू कर देता है। वहां पर लड़ाई झगड़ा सब कुछ है। तो धन जब सबसे पहले शैतान आकर के नष्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि धन को अधिकतर लोग महत्व ज्यादा देता है, धन को उसका सदुपयोग भी कई लोग नहीं करता है। यदि ईश्वर ने धन दिया है उसका सदुपयोग अपने लिए भी सदुपयोग होना चाहिए, गलत उपयोग के लिए उस धन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और उस धन से हम अनेकों आत्माओं को बचा सकते हैं, अनेकों लोगों का जीवन बचा सकता है, गरीब लोगों को मदद कर सकता है। तो धन इसलिए दूसरे लोगों को देने के लिए भी इस्तेमाल होना चाहिए। गरीबों को कितना दिया, प्रभु का सेवा के लिए आपने कितना इस्तेमाल किया। इस प्रकार गलत उपयोग, यदि धन हमें मालूम है लाजर और धनी व्यक्ति के जो कहानी के द्वारा ईसा मसीह ने यही सिखाया। उसके पास धन था लेकिन उसके घर के चौकट पर एक कंगाल लाजर रहता था। उसने अपना धन का सदुपयोग नहीं किया, केवल अपने लिए उपयोग कर रहा, मैं कमाया मैं आश कर रहा हूं, इस प्रकार का ये विचार उस धन के द्वारा आपको दुख देता है। हमें मालूम है प्रज्ञा ग्रंथ उसके अध्याय 11 का वाक्य 16 में हम लोग पढ़ते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ द बुक ऑफ विजडम, वहां पर अध्याय 11 वाक्य 16, जिससे वे समझे कि कोई जिसके द्वारा पाप करता है उसी के द्वारा उसे यंत्रणा दी जाती है। जिसके द्वारा मनुष्य पाप करते हैं, धन इकट्ठा करने के लिए या धन का दुरुपयोग या धन का सदुपयोग नहीं किया, इस प्रकार का जो पाप करते हैं वो उसी के द्वारा, उस धन के द्वारा, वो धन नष्ट होने के कारण या उस धन का बर्बादी होने के कारण, कंगाल होने के कारण, आपको वो धन ही आपको यंत्रणा दे रहा है। तो शैतान सबसे पहले उस जगह को अटैक करता है जिसके ऊपर आप ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, जिस व्यक्ति के साथ रहने में आप सुरक्षित महसूस करता है या जिस धन के साथ आप सुरक्षित महसूस करना चाहता है, उस जगह को वो अटैक करता है। दूसरी बात, शैतान अय्यूब की जिंदगी में हम लोग अगला सुनते हैं, उनका बच्चे जो 10 बच्चे थे सबके सब मर जाते हैं। अनेकों लोगों के लिए संतान खुशी का, आनंद का, गर्व का बात है, ईश्वर का दान है। स्तोत्र ग्रंथ 127 वाक्य 3 में लिखा है, संतान ईश्वर का दान था, एक पारितोषिक था हमारे लिए, वो एक पारितोषिक रूप में ईश्वर ने जो दिया, जिसने दिया उसको कम याद किया, लेकिन अपने बच्चों में ज्यादा आनंद मनाना, खुशी मनाना जब शुरू करता है, वो बच्चे हमारा दुख का कारण बन सकता है। बच्चों के विषय में अनेकों स्वप्न देखते हैं, वो स्वप्न हो सकता है पूरा नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार पढ़ाई करवाना, जिस प्रकार नौकरी कराएंगे, जिस प्रकार का जीवन जिएंगे, ये सब सोचा था, लेकिन बच्चे बढ़ते बढ़ते उल्टा हो गया, वो बच्चा हमारे लिए दुख का कारण बना। इसके बाद ईश्वर का दान के रूप में ईश्वर ने हमें संतान दिया,
लेकिन उस ईश्वर को ही वे बच्चे भूल रहा है। चर्च ना जाने वाला, प्रार्थना ना करने वाला बच्चे, माता पिता का आदर सम्मान ना करने वाले बच्चे, माता पिताओं से बात ना करने वाले बच्चे, इस प्रकार बच्चों के द्वारा बच्चों के कारण दुख कष्ट पीड़ा ये शैतान करा सकता है। जब हम बच्चों पर ज्यादा स्वप्न देखने लग जाता है और हमारा खुशी का कारण वो था, उस खुशी को वो नष्ट कराना शुरू कर देता है। बच्चा मरना ही कोई जरूरी नहीं, कई बच्चे मर भी जाता है, मरना जरूरी नहीं, उनका बर्बादी जो स्वप्न उनके विषय में आपने देखा था वो पूरा नहीं होना, इस प्रकार का कार्य आपके जीवन में दुख पहुंचा रहा है, ये शैतान का कार्य हो सकता है। तीसरा, हम अय्यूब के ही जिंदगी में देख सकता है, अय्यूब के जीवन में अनेकों बीमारियां, शरीर तौर पर अच्छा तंदुरुस्त अच्छा व्यक्ति था, लेकिन वो इसके बाद बीमार पड़ गया। सारे बीमारी का कारण शैतान है या पाप है ये बोलना भी गलत है, लेकिन ऐसे भी है पाप के कारण शैतान अनेकों के जीवन में बीमारियां लेके आए। बाइबल इसका उदाहरण है, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर अर्धागर रोगी, योहन का सुसमाचार अध्याय 5 का 38 वर्षों से जो कुंड के पास पड़ने वाला अर्धागर रोगी, इस प्रकार कई लोगों का बीमारी का कारण स्तोत्र ग्रंथ 107 के अंदर भी यही हमें सिखाता है, बीमारी के कारण स्तोत्र ग्रंथ 38 में 40 में सब पाप के कारण बीमार होने के विषय में लिखा हुआ है। तो शैतान यदि हम पाप की जिंदगी जी रहा है, उसी पाप के द्वारा प्रवेश कर हमें बीमारी के रूप में दंड दे सकता है। योहन का सुसमाचार अध्याय 9 में जन्मांध के विषय में लिखा हुआ है, वहां पर सवाल किया था ईसा मसीह से, ईसा मसीह ने बोला ना इसका गलती ना इनका माता पिता का पाप, लेकिन प्रभु का महिमा प्रकट करने के लिए। तो सारा बीमारी पाप के कारण या शैतान के कारण ये भी नहीं बोल सकता, ये हमारे सुधार के लिए भी हो सकता है, ईश्वर से जुड़े रहने के लिए और ईश्वर भक्ति में बढ़ने के लिए भी ये बीमारियां जो हमारा सहायक भी बनता है। लेकिन एक व्यक्ति में जब शैतान, एक घर में जब शैतान आते हैं, कई लोग बीमार पड़ना, एक के बाद एक बीमारी आना, इस प्रकार हमें सताना शुरू कर सकता है। अगला चौथा, हम उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर भी देख सकते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में जब शैतान आदम और हेवा के जीवन में प्रवेश किया, पाप करवाया और आदम और हेवा के बीच में भी तनाव हुआ, एक दूसरे से ये मेरे हड्डियों की हड्डी मांस का मांस बोल करके स्वीकार करने वाला आदम ने ईश्वर से कहा, जिसे तुमने मेरे साथ रहने के लिए दिया उसी का काम है, अर्थात दोनों के बीच में मनमुटाव दूरियां बढ़ गया। तो शैतान आता है जो जुड़ा हुआ ईश्वर ने जिसे जोड़ा उसे अलग करने के लिए, कई पति पत्नी अलग रहते हैं, तलाक दिया है, कोर्ट केस चल रहा है, एक दूसरे के अधीन रहना नहीं चाहते, एक दूसरे को क्षमा देना, सहन करना, प्यार करना नहीं चाहता है, प्रभु का उस उपस्थिति उनके जीवन में नहीं दिखने देता है, बल्कि शैतान का सारा स्वभाव मिलेगा। अभी हाल ही में एक दो ऐसे परिवार से जो पति पत्नी अलग है, कोर्ट केस चल रहे हैं, उनसे जब बात किया तब मुझे ये भी सुनने के लिए मिला, हैरान होता हूँ, बड़े भक्त लोग, प्रार्थना करने वाले लोग, चर्च में आगे रहने वाला, लेकिन एक दूसरे को सहन नहीं कर रहा, क्षमा नहीं कर रहा है, कोर्ट केस, वो भी कैसे कैसे झूठे झूठे आरोप लगा करके, झूठे झूठे आरोप लगाया। मैंने पूछा क्यों, तो बोलता है ये तो वकील का काम है, वकील ने ऐसे ऐसा जो केस को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए,
इसका मतलब अपने पति के खिलाफ, अपने पत्नी के खिलाफ झूठ मूठ में कुछ भी लिखाने के लिए भी आपका दिल कतराया नहीं, अर्थात शैतान ने आपको ऐसा वश में रखकर के कार्य कर रहा है। ईसा मसीह ने सिखाया अपने दुश्मन को भी क्षमा करो, प्रभु ने यही प्रार्थना किया, ये पिता इन्हें क्षमा कर दो। यदि अपने जीवन साथी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को यदि हम क्षमा नहीं कर सकता तो हमारे अंदर शैतान का स्वभाव दिखता है। योहन का सुसमाचार 10:10 में लिखा है शैतान इसलिए आता है हमें अलग करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। इसलिए संत पेत्रुस ने बोला संयम रखना है, संयम के साथ आपको जो शैतान है हमारे जीवन को बर्बाद करने, तोड़ने वाला, अलग करने वाला, उस रिश्ता जो रिश्ता प्रेम रिश्ता था वो अलग किया। हमारे घर में शैतान प्रवेश कर शैतान को अवसर देगा, हमारे आपसी प्रेम रिश्ता को वो तोड़ डालेगा। इसके बाद एक और हम लोग देख सकते हैं अय्यूब के जीवन में, लेकिन अय्यूब इसमें पराजित नहीं हुआ। यह है आत्मिक जो एक परीक्षा और गिराना, आत्मिक रूप से एक व्यक्ति को गिराना। कई लोग इस प्रकार शैतान के वश में पड़कर के चर्च जाना छोड़ देता है और अन्य चर्चों में जा रहा है, या अन्य गुट अपना गुट बना करके रह रहा है। ये एक प्रकार का आत्मिक रूप से आपका गिरने को दिखाता है, आपका आत्मिक उन्नति नहीं है। आप सत्य कलीसिया का सदस्य था, आज उसे मुक्ति प्राप्त किया, कई लोग बोलता है वहां से मुझे छुड़ाया, बचाया, बचाया नहीं भाई, आपका बर्बादी हुआ इसके द्वारा, क्योंकि आप में जीवन में शैतान आया, शैतान उसमें सफल हुआ आपको सत्य कलीसिया से, मसीह के शरीर से अलग करने में, वो उसमें सक्षम हुआ, विजय प्राप्त किया। इस प्रकार का एक परीक्षा अय्यूब के जीवन में भी आया। अय्यूब के 3-4 दोस्त लोग, मित्र लोग आकर के बैठा, अय्यूब के विरुद्ध में कोसते जा रहा था। अय्यूब का ग्रंथ बहुत अच्छा लगता है, अय्यूब के ग्रंथ के अंदर हमें मिलता है बार बार ये दोस्त लोग उनको कोसता जा रहा है, तुम्हारे पाप के कारण ये सब हुआ। और अय्यूब अपने उस निर्दोष अवस्था को बता कर रह रहा था, अपने को जो पाप नहीं किया मैं सही हूं इस प्रकार बताने का प्रयत्न अय्यूब बार बार किया। इवन पत्नी ने कहा था ईश्वर का शाप करो, कहीं जाकर के मर जाओ, वहां पर भी अय्यूब ने उत्तर ये दिया, ईश्वर के हाथों से दोनों हाथ बढ़ा करके अच्छाइयां, धन और सुख ये सब ले सकता था, यदि थोड़ा सा कष्ट पीड़ा आया तो ईश्वर का धिक्कार करना। देखो आत्मिक रूप से अय्यूब नहीं गिरा, लेकिन अनेकों लोग जीवन में इस प्रकार गिर जाते हैं। चर्च में कोई बात हुआ, किसी व्यक्ति के कारण, किसी पुरोहित के कारण चर्च ना आने वाले अनेकों लोग हैं। किसी किसी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर करके चर्च छोड़ करके दूसरा कलीसिया बनाने वाले, दूसरे गुटों में जाने वाला अनेकों लोग हैं। आत्मिक रूप से जिसका पतन हुआ, जिसको शैतान ने गिराया, वो इसका चिन्ह है। वो सोचता है मैं तो जाकर के डुबकी लगाया, मैं बच गया करके, नहीं, वो शैतान ने आपको डुबकी लगाया। सत्य कलीसिया से, मसीह के शरीर से, जिस कलीसिया को ईसा मसीह ने स्थापित किया और जो संस्कारें ईसा मसीह ने स्थापित किया, उन संस्कारों से आप दूर चला गया, अर्थात मसीह ने जो शिक्षा दिया उससे आप दूर चला गया। एक क्लास के अंदर मैंने जैसे बोला योहन का सुसमाचार अध्याय 6:66, वहां पर हम लोगों ने देखा जिसने ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करने के लिए इनकार कर करके गया, वे 666 आंटी क्राइस्ट, क्रिस्त विरोधी लोग। कहीं हम भी ऐसा तो नहीं है, शैतान आकर के हमारा आत्मिक रूप से हमें गिराया तो नहीं है? यदि आप सोच रहा है नहीं नहीं मैं तो उन्नति प्राप्त हुआ, इसके बाद मैंने बाइबल सीखा,
क्या फायदा हुआ? बाइबल सीख करके आप उस सत्य का ज्ञान आपने नष्ट किया। बाइबल को अच्छी तरह रटाया लेकिन आपको सत्य का ज्ञान नहीं है। हमने सर सीपी के विषय में सुना है, उनके बारे में पढ़ा है। एक बार सर सीपी जो ट्रावनकूर का एक दीवान, वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में जब पढ़ाई कर रहा था, ब्रिटिश टाइम की बात है, उस समय पर उन्होंने नोटिस बोर्ड में एक नोटिस पढ़ने के लिए मिला। वहां पर यह लिखा हुआ था, बाइबल का जो एग्जाम है फलाना तारीख को है, उसके लिए क्रिश्चियन बच्चे सब तैयार हो। तो ये सर सीपी जो युवक, एक हिंदू युवक था, उसने पता किया क्या मैं भी ये परीक्षा दे सकता हूं। तो कॉलेज से उसको अनुमति मिला। 3 वर्ष उस कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई किया। कहा जाता है 3 वर्ष बाइबल के एग्जाम में सर सीपी फर्स्ट रैंक में आता था। आपको मालूम होना चाहिए बाइबल का इतना अधिक नॉलेज रखने वाला व्यक्ति, वही बाद में केरल में बिशपों को अरेस्ट करने के लिए, केरल के क्रिश्चियनों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाला व्यक्ति वही बना। तो बाइबल का नॉलेज हमें स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। बाइबल में खूब जान रहा हूं, बाइबल में खूब पढ़ लिया हूं बोल करके आप कहीं आत्मिक रूप से गिर तो नहीं गया? आत्मिक रूप से जैसे अय्यूब उससे बच गया, वही सत्य ईश्वर का साथ रह करके, उससे जुड़े रह करके, आखिर में हम लोग देखते हैं अय्यूब बोलते हैं, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, प्रभु सब कुछ जानने वाला है, मैं क्यों अपने साइड बोलूं। इस प्रकार बोल करके अपने को विनम्र कर, शून्य कर, विजय प्राप्त करने वाले, जो कुछ उसके जीवन में नष्ट हुआ दुगुनी मात्रा में उसको मिलने वाला आशीष, दुगुनी मात्रा में मिलने वाला अय्यूब धार्मिक रीति से, आत्मिक रीति से वो नहीं गिरने के कारण हमें मनन चिंतन करना है। आज शैतान हमारे जीवन में किस किस फील्ड में, किस किस जगहों पर बर्बादी लेके आया, धन के या बच्चों के रूप में, या बीमारी के रूप में, या आपसी रिश्ते के रूप में, या हमारे आत्मिक गिरावट। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, एक निर्णय करें, शैतान को मैं अपने जीवन में अवसर नहीं दूंगा, शैतान को अवसर नहीं देने का निर्णय कीजिए, प्रभु के साथ जुड़ करके एक अच्छा जीवन जीने का निर्णय कीजिए, प्रार्थना भक्ति का जीवन जीने का निर्णय कीजिए, सत्य कलीसिया से जुड़े रह करके, जो कलीसिया सिखाता है उसी के अनुसार चलने का निर्णय कीजिए, क्योंकि इसी के द्वारा हमें मुक्ति है। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।